जी वो विन कर चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन इस बात पे। देखिए जी, इंडिया क्यों विन ना करे। इंडिया की आज अगर आप बैटिंग की बात करती हैं तो बैटिंग जो है उन्होंने ऐसी की है कि मैं कहता हूँ कि क्या बात है। जैसे विराट कोहली हो गया, ओबियसली हमेशा ऑलवेज आप याद रखिएगा कि जो अच्छा खेलता है तो वो विन करता है। ओबियसली इंडिया जो है वन ऑफ द बेस्ट टीम थी इस टाइम वर्ल्ड कप की, क्यों वो इसलिए विन करके गया है कि ये वर्ल्ड कप ही उनके इलाके में हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, आज का मैच तो आपने देखा ही होगा, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, जबकि इंडिया विन कर चुका है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, इंडिया क्यों विन ना करे। इंडिया की आज अगर आप बैटिंग की बात करती हैं तो बैटिंग जो है उन्होंने ऐसी की है कि मैं कहता हूँ कि क्या बात है। जैसे विराट कोहली हो गया, ठीक हो गया, एक और है अय्यर, उन्होंने सेंचुरी की है, बड़ी अच्छी माशाल्लाह परफॉर्मेंस दी है। इनकी अगर बॉलिंग देखी है, बॉलिंग लाइन भी बड़ी अच्छी थी इनकी, इन्होंने बैटिंग भी अच्छी की, इन्होंने फील्डिंग भी बहुत अच्छी की है। तो मेरा दिल तो ये कह रहा है कि जैसे वर्ल्ड कप जो है ना वो इंडिया ने विन करना है, और मुझे नहीं लगता कि इंडिया अपनी होम ग्राउंड में से जो है ना वर्ल्ड कप जाने देगा। बड़ी फख्र की बात है, अगर की जाए देखा जाए तो इंडिया जो है उसने, इंडिया ने अभी तक एक मैच भी जो है ना लूज नहीं किया। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक हो गया ना। न्यूजीलैंड भी बड़ी तगड़ी टीम है, लेकिन मुझे इस तरह लग रहा है कि जैसे इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप जीत चुका है, वर्ल्ड कप भी जीत चुका है इंडिया। जी इंडिया, क्योंकि अपनी परफॉर्मेंस की वजह से मुझे इसी तरह लग रहा है कि जैसे इंडिया की कारकर्दगी देख ले, और फर्स्ट मैच से लेके अभी सेमी फाइनल में जो है ना इंडिया पहुंच गया है। इनकी अगर बात की जाए बॉलिंग की, बैटिंग की, तीनों एंड जो है ना बड़े मतलब स्ट्रॉन्ग हैं, और मुझे इस तरह लग रहा है कि जैसे ये आज इंडिया को अपना न्यूजीलैंड को जैसे इन्होंने ढेर किया, ठीक हो गया, और फाइनल में भी ये जो है ना जिसके साथ मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका के साथ या जिसके साथ भी इनका मैच पड़ेगा, पाला पड़ेगा, उसको भी उठा देंगे इंडिया। इस मैच में तो इंडिया की परफॉर्मेंस सबने देखी ही है, बहुत ही जबरदस्त की है इंडिया ने। ये लम्हा फिक्री है हमारी पाकिस्तानी टीम के लिए, ठीक है, कि हमारी पाकिस्तानी टीम में वो सलाहते हैं, लेकिन इनमें जो है ना जज्बा नहीं है, हौसला नहीं है, जुनून नहीं है इनमें। देखिए जी, ये इंडिया की तरफ देखना चाहिए। इंडिया माशाल्लाह बॉलिंग से लेके फील्डिंग और इवन के बैटिंग लाइन, तीनों शोबों में कामयाब रही, और इंडिया ने आज मैच जो है वो विन कर लिया। मतलब कि ऐसी कोई टीम नहीं है जो इंडिया के आगे टिक पाए? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। देखिए न्यूजीलैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, काफी टीमें हैं, लेकिन इंडिया की अगर आप बात करती है ना तो इंडिया इस वक्त तीनों शोबों में फॉर्म में है। तो हमेशा ग्राउंड में वही जीतता है जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। इंडिया को इंडिया में इंडिया की आप मैनेजमेंट की बात करती है, इंडिया की मैनेजमेंट देखिए बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी तगड़ी है। ये एक प्लान लेके आते हैं कि हमने कैसे फेस करना है बॉलरों का, हमने कैसे बैटिंग करनी है, हमने कैसी फील्डिंग करनी है, और इन टीम जो है वही स्पोर्ट्समैन आगे अपनी टीम को एक अच्छी तरह अरेंज करते हैं। जी वही ना, इनकी जो है अच्छी प्लानिंग है, और हमने देखा कि बड़ा जो है अच्छे डिसिप्लिन के साथ इन्होंने जो है ना आज का मैच विन किया। और इंशाल्लाह उम्मीद मैं करता हूँ, हम पाकिस्तानी हैं और जो है हमें जो है थोड़ा सा अफसोस भी है, दुख भी है कि ये टाकरा सेमीफाइनल का ना इंडिया और पाकिस्तान का होता तो हमें बड़ा मज़ा आता, लेकिन फिर भी जो है ना हम इंडिया को जो है ना सरप्राइज देते हैं और इंडिया को सलूट करते हैं कि इंडिया ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। जी जी हाँ, यही कहना चाहूँगा मैं कि वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया का ही है। ओबियसली हमेशा ऑलवेज आप याद रखिएगा कि जो अच्छा खेलता है तो वो विन करता है। ओबियसली इंडिया जो है वन ऑफ द बेस्ट टीम थी इस टाइम वर्ल्ड कप की, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एज़ कम्पेयर टू अदर टीम, तो इस वजह से इंडिया ओबियसली क्वालिफाई भी कर गया। और आपने देखा जैसा कि वो सारे मैच जो है बैक टू बैक उसने जीते जी, और इस मैच में उन्होंने बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस नजर आई। हाँ बिल्कुल अच्छा खेला, और विराट कोहली एज़ यूजल क्योंकि अच्छे बैट्समैन हैं, उन्होंने अच्छा खेला और अपनी जो टीम है उसको कामयाबी दिलवाई। तो ओबियसली इंडिया ने विराट कोहली यानी सेंचुरीज की हैं। हाँ बिल्कुल ऐसी है। हाँ ओबियसली इंडिया की बॉलिंग भी बेहतर रही एज़ कम्पेयर टू अदर मैच, लेकिन ये कि इंडिया जो है इस क्योंकि इंडिया की सरजमीन थी, उसका ग्राउंड होम ग्राउंड भी था, ओबियसली ये उनका एक ज़बरदस्त उनको एडवांटेज मिला जिसकी वजह से उन्होंने उसका भरपूर बेनिफिट उठाया और अपनी टीम को जीत दिलवाई। जी सर, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया फाइनल में भी कामयाब हो पाएगा? मेरा ख्याल है कि अभी क्योंकि उसने फाइनल में तो जगह बना चुका है, अब दूसरा मैच जो है वो साउथ अफ्रीका और उसके मुबैन है, किसके मुबैन है, मेरे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो मेरी
क्योंकि देखिए मैं एक क्रिकेटर लवर हूँ, तो मेरे मुताबिक ये मेरा दिल करता है कि न्यूजीलैंड तो बाहर हो चुकी है, कि आई थिंक ऑस्ट्रेलिया और जो इंडिया है वो दोनों ऑलरेडी आपको पता है कि वर्ल्ड कप जीते हुए हैं और स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन यह कि मेरी ख्वाहिश ये होगी कि साउथ अफ्रीका जीते, क्योंकि बाकी लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन द गेम बिकॉज क्रिकेट बाय चांस जी, इन दोनों का तो बहुत टफ फिर मुकाबला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसी आज आज का टाकरा ऑब्वियसली बहुत बड़ा टाकरा था, लेकिन इंडिया एज यूजुअल, क्योंकि इंडिया एक बड़ी टीम है और आज बहुत ज़बरदस्त मैच खेला उन्होंने इसलिए वो जीते। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया को कोई भी टीम हरा पाएगी, ऐसी कौन सी टीम है जो इंडिया को? मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका जीतेगा ऑस्ट्रेलिया से और दे विल क्वालिफाई द फाइनल और इंशाल्लाह इंडिया इस बार हारेगा, मुझे लग रहा है और साउथ अफ्रीका जीतेगा, क्योंकि इंडिया ने अभी तक इस वर्ल्ड कप में कोई भी मैच लूज नहीं किया। हाँ कोई बात नहीं, फाइनल हार जाएंगे लेकिन देखे साउथ अफ्रीका की बात करें तो 80 रन से वो बड़ा हुआ। ठीक है आपने बात ठीक किया, लेकिन आप अगर बैक हिस्ट्री में जाएं ना तो कुछ वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में आप देखें या डिफरेंट देखें, साउथ अफ्रीका से बड़े मैचेस इंडिया ने हारे हुए हैं, बड़े मार्जिन से हारे हुए हैं, काफ़ी जीते भी हुए हैं, काफ़ी ओबियसली इंडिया एक अच्छी टीम है मैं आपको बता सुना हूँ, लेकिन यह कि इस बार साउथ अफ्रीका जीतेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरी वो फेवरेट टीम है, मैं चाहता हूँ कि इस बार वो जीते टीम जिसने वर्ल्ड कप पहले नहीं जीता, और कोई बात नहीं। वो इसलिए विन करके गया है कि ये वर्ल्ड कप ही उनके इलाके में हो रहा है और उन्होंने हेरा फेरी की है पिच के साथ बॉल के साथ। क्यों आपको क्यों ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा किया? क्योंकि एक मुल्क उनका है, उन्होंने वहाँ ही खेलना है, ट्रेनिंग भी वहाँ करनी है, हर चीज़ वहाँ करनी है, तो फिर उन्होंने जीतना है ना। अगर हम इंडिया की बैटिंग और बॉलिंग के बारे में बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने इस मैच में परफॉर्मेंस की है, तो उसके पीछे क्या वजह है? इंडिया की बैटिंग कुछ भी नहीं है, ये बाहर किसी मुल्क में आ जाएं तो फिर इनको हिसाब लगा लेंगे क्या हिसाब है। और लेकिन इस मैच में तो इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है ना। परफॉर्मेंस देखा, सुबह मैच देखा, न्यूजीलैंड के बेचारे मेहनत कर कर थक गए, उनका बॉल ही स्विंग नहीं हो रहा, अब हमें बॉलिंग देख के आऊँ इंडिया की तो बॉल ऐसे स्विंग हो रहा है जैसे स्वाब का काम है या बॉल पर उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ा हुआ है। दरअसल फिर इंडिया की मेहनत है ना? मेहनत नहीं है, ये मिलावट है, लालची है, साजिश है सारी। आप इस तरह कैसे कह सकते हैं कि ये इंडिया की मिलावट है? जब जाहिर बात है एक टीम इतनी मेहनत कर रही है, उनके आउटस्टैंडिंग बॉलर जब स्विंग नहीं उनका बॉल हो रहा था फिर पीछे रह क्या गया, उनके बॉल स्विंग हो रहे हैं इंडिया वालों के जी। अगर इंडिया ने ये सेमीफाइनल जीत चुका है तो आपको क्या लगता है कि फाइनल भी जीत पाएगा? जाहिर बात है सारी प्लानिंग उनके हिसाब से, वो चाहते हैं कि हमारे मुल्क में हो रहा है वर्ल्ड कप तो हमारे मुल्क में ही रह जाए ये कप, और कोई बात नहीं। मतलब आपको लगता है कि इंडिया ने हेरा फेरी की है? जी पिच के साथ भी बॉल के साथ भी जी, वो विन कर चुका है, कंग्रेचुलेशन इस बात पे कि अच्छी परफॉर्मेंस किया उन लोगों ने, जबकि उन्होंने इस मैच में बैटिंग बॉलिंग दोनों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि सेमीफाइनल इंडिया जीत चुका है तो आगे फाइनल भी जीत पाएगा? मुझे तो लगता है जीत जाएगा। क्या वो ज़्यादा स्ट्रगल करता है इंडिया? हमेशा की तरह करते ही हैं, ये तो सबको नज़र आता है जी। जबकि इंडिया ने बहुत से मैचेस विन कर चुके हैं तो आपको क्या लगता है कि आगे भी वो फाइनल विन कर पाएगा? आई थिंक सो, कर जाएगा। लेकिन उसके पीछे वजह क्या है? इंडिया मतलब ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है, उनके सामने कोई टीम टिक नहीं पाती, इसकी वजह क्या है? उनका होम ग्राउंड है और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है।